आप सभी मित्रों को भारत मिशन गॉड का प्रणाम। मित्रों, आज हम बात करेंगे शनि की। जैसा कि सर्वविदित है कि शनि इस समय कुंभ राशि में, शनि किसी भी राशि में हो अन्य 11 राशियों पर भी अपना प्रभाव छोड़ते हैं। तो 29 मार्च 2025 तक शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे, यहां से अन्य राशियों को प्रभावित करेंगे। आज हम तीन राशियों की बात करेंगे, ये हैं कर्क, वृश्चिक और मीन। इन पर शनि अपना लोह पाद यानी कि लोहे का पग रखते हुए लोहे के पाद का फल देंगे, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें आपको धन संचय करने के, पैसा जोड़ने के जो साधन होते हैं, सोर्सेस होते हैं, वो आपको लगातार सुलभ हो रहे हैं। और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव इसी प्रकार आप पर कृपा करते हैं। तो आपको एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो धन संचय के सभी साधन आपको आसानी से सुलभ हो जाए। इसके अलावा रोजगार में बढ़ोतरी होगी। आप किसी निजी व्यवसाय में हैं तो लगातार आपको साधन उपलब्ध होते रहेंगे, आगे बढ़ने की सफलता मिलती रहेगी, किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। और इसके साथ ही सामाजिक और पारिवारिक जीवन में आपको खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। तो शनिदेव की कृपा इस समय आपके ऊपर बनी हुई है, लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि आप अपने किसी शुभ समय को और अधिक शुभ बनाने का प्रयास करें। शनि जब कृपा करते हैं तो मालोमाल भी कर देते हैं। अच्छे समय को अच्छा बनाने के लिए मैंने एक शनि दशनाम सूत्र है, यानी कि शनिदेव के दशनाम है, और इनका रचना भी शनिदेव ने ही की है। जब उन्होंने राजा नल को अपना आशीर्वाद दिया था, उनका खोया हुआ राजपाट मिला है। ये शनि के दशनाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, श्लोक के रूप में भी, और अलग अलग दशनाम की आपको मैं हिंदी में भी लिख दूंगा, तो आप वहां भी उनको दे सकते हैं। साथ ही मित्रों, यदि आप फिर भी किसी प्रकार से जीवन में कष्टों का अनुभव कर रहे हैं तो इसके जिम्मेदार अन्य ग्रह भी हो सकते हैं। शनि के अलावा भी 8 ग्रह और हैं, तो यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें और उनके विषय में जानना चाहें, उपाय जानना चाहें, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं फोन द्वारा। नंबर आपको वीडियो मिल जाएगा और शनिदेव के दशनाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आशा है ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। इसी के साथ आप सबको भारत भूषण गौड़ का प्रणाम। जय श्री राम।